क्या आप घबराहट के दौरे यानी कि पैनिक अटैक के बीमारी की शिकार तो नहीं है? इसके बारे में मैं आपसे आज वीडियो में बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। लोग ऑनलाइन फ़ोन कंसल्टेशन करते हैं, खुद होके यहाँ आते हैं, हमारा इलाज कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को ऐसे पैनिक अटैक के दौरे आते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो डाले हुए, ये अभी एक जो औरत मेरे पास में आई वो अप्रॉक्सीमेटली 27-28 साल की होंगी, रिसेंटली मैरिड, और उसको घबराहट के बहुत दौरे शादी के बाद में आने लगे। और वो दौरे ऐसे हैं कि उसको लगता है कि अभी उसमें वो मर जाएंगे। ठीक है, इसके जो लक्षण है प्रमुख, वो मैं प्रमुख लक्षण आपको बताता है। 13 प्रमुख लक्षण है, और 13 लक्षण में से यदि 4 लक्षण है तो फिर वो बीमारी हो सकती है। तो ऐसे कौन से 13 लक्षण है? नंबर एक, धड़कन होना, छाती में सीने में धड़कन होना, धड़ 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 हार्ट पाउंडिंग होना। नंबर दो, पसीना आना। नंबर तीन, हाथ कांपना, हाथ कांपते हैं ऐसे। नंबर चार, सांस छोटी होना, छोटी छोटी सांस लेना चालू कर देता है। नंबर पाँच, दम घुटना, ऐसा लगता है कि दम अभी सांस लेने मतलब लिए नहीं जा रही, दम घुट रहा है ऐसा लगता है। तो नंबर छः, सीने में दर्द, छाती में दर्द, उसको होता है चेस्ट पेन हो जाता है। सात, जी मचलाना या पेट में गड़बड़ होना, ऐसा लगता है कि पेट में कुछ तो भी ऐसा अंदर से पूरा घूम रहा है, ऐसा कुछ तो भी अंदर हो रहा है ऐसा लगता है उसको। फिर आठ, चक्कर आना या संतुलन जाना या सिर हल्का हल्का लगना। फिर नौ, ठंड लगना या बहुत गर्म लगना, गर्मी का एहसास होना। दस, हाथ पैर में संवेदना नहीं होना, मतलब टिंगलिंग एंड नमनेस होता है। ग्यारह, आजू बाजू में कुछ तो भी नयापन लगना, क्योंकि कुछ तो भी नए अनरियलिटी है, नए जगह पे आया हूँ, या खुद के बारे में ऐसा कुछ तो भी नयापन लगना। और बारह, अपने आप के ऊपर अपन नियंत्रण खो रहे ऐसा लगना कि भाई मैं पागल हो जाऊँगा, मेरा खुद के ऊपर का नियंत्रण निकल रहा है ऐसा उसको लगना। नंबर तेरह, मरने का भयंकर डर। तो ऐसे 13 में से यदि 4 लक्षण उसको है तो ये लक्षण पैनिक अटैक के होते हैं। वो अटैक ऐसा कुछ मिनट तक आता है, वो कुछ मिनट में ऐसा उसको लगता है कि बस अभी अपन मर जाएंगे, और उसको ऐसा बेचैन हो जाता है, वो बाहर जाता नहीं। ऐसे मेरे कितने पेशेंट हैं जो घर के बाहर ही निकलते नहीं है डर के मारे। ये अटैक आने के बाद में कम से कम एक महीने तक उसको ऐसा लगता है कि ऐसा अटैक फिर से आएगा, या फिर एक महीने तक उसको ऐसा लगता है कि नहीं अटैक आएगा करके वो उसका बिहेवियर जो उसका बर्ताव जो ऐसा हो जाता है कि वो घर के बाहर निकलता नहीं, घर में बैठे रहता है। ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं कि जो पैनिक अटैक से घर में पड़े हैं, वो बाहर जाते ही नहीं, उनको डर है कि अपन मर जाएंगे, और फिर उनका इलाज करना ज़रूरी है। उनका इलाज जो है वो दवाइयों से हो सकता है, साइकोथेरेपी से हो सकता है, सम्मोहन उपचार से हो सकता है, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी से हो सकता है। तो ये यदि दवाई वो करते हैं, सम्मोहन उपचार लेते हैं मतलब हिप्नोटिज्म करते हैं, तो उनका ये पैनिक अटैक पूरा बैठ जाएगा। तो ये जो स्त्री मेरे पास में आई थी, उसको हमने सम्मोहन उपचार दिया, उसको दवाइयाँ जैसी है क्लोनेजिपाम दवाई से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है, जो जबान के नीचे हम रखते हैं बोलने के लिए, मतलब कि भाई जबान की नीचे रखो ताकि आपका वो अटैक निकल जाएगा। या फिर उसको अलग अलग दवाइयाँ हैं कि जो दवाई यदि हम देते हैं तो उसका पैनिक अटैक निकल जाता है। तो पैनिक अटैक के समय लेने की ज़रूरत है दवाई की, और फिर पैनिक अटैक ना आए उसके लिए भी ज़रूरत है ट्रीटमेंट की। तो हम करते हैं तो ज़रूर अच्छा जीवन वो व्यक्ति जी सकता है। आपको अभी ऐसा कुछ मतलब तकलीफ है तो आप हमारे से फ़ोन के ऊपर भी कंसल्टेशन करके आपकी तकलीफ अच्छी कर ले सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।